योगी सरकार द्वारा लाई गई न्यू टाउनशिप नीति के खिलाफ। कानपुर में विधानसभा बिल्होर मुख्यालय पर कांग्रेस नेत्री उषा रानी कोरी की अगुवाई में भारी संख्या में स्थानीय महिलाओं युवाओं अनुसूचित समाज का हल्ला बोल। उषा रानी कोरी प्रवक्ता उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बताया, टाउनशिप नीति दलित विरोधी है, इसे लागू नहीं होने देंगे। तत्कालीन कांग्रेस पार्टी की सरकार ने अनुसूचित जाति जनजाति के हितों को ध्यान में रखते हुए उन्हें भूमिहीन होने से बचाने के लिए उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 कानून बनाया था। इसके तहत एक सीमित रकबा 3.125 एकड़ से अधिक कृषि भूमि यदि अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोग विक्रय करना चाहते हैं तो उन्हें जिलाधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। लेकिन हमें समाचार पत्रों से ज्ञात हुआ है कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार कांग्रेस द्वारा बनाए गए अनुसूचित समाज हितैषी उक्त कानून को निष्क्रिय करने जा रही है। ये युगों युगों से वंचित भारत के अनुसूचित जाति जनजाति के अधिकारों पर कुठाराघात करने का कदम है। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश केंद्र की सरकारों द्वारा कुछ खास उद्योगपतियों को संपूर्ण भारत बेचने सौंपने की साजिश की जा रही है उसका जीता जागता नमूना है। किस प्रकार योगी आदित्यनाथ और मोदी की सरकारों द्वारा हम दो हमारे दो के तहत अडानी अंबानी को देश का कण कण सौंपने का प्रयास किया जा रहा है।